हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल रीच होम पर। कल हमने सिग्नेचर का डिस्कशन किया था, पूरा वीडियो डिटेल वीडियो बनाया था, पूरी डिटेल डिस्कशन आपसे की थी। अगर वो स्किप हो गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, जाकर एक बार देख लें, सो दैट सिग्नेचर के बारे में कोई भी माइनर से माइनर डिटेल भी आप लोगों से मिस ना हो। जैसा हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम बैक टू बैक कुछ नए लॉन्चेस जो कि हैं, जो बिफोर रेरा डिस्कशन है, वो हम आपसे करेंगे। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन में उनका सबका हम एक कंपैरिजन करेंगे, और उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में ईओआई सबमिट करना चाहिए। और जिन लोगों ने ईओआई सबमिट कर दिया है गाइज, अगर आप कॉल करते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमें अपडेट ज़रूर दें। अननेसेसरी हम भी नहीं चाहते कि आपको कॉल्स करके परेशान करें, बट आप क्वेरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी और के साथ अपने प्रोडक्ट को फाइनल करके ईओआई दे चुके होते हैं, फिर भी क्वेरी करते हैं, कोई इशू नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस डिसीजन को सपोर्ट करने की, बट हमें अपडेट ज़रूर दें, सो दैट हम अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको बार बार कॉल करके परेशान ना करें। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। कल सिग्नेचर था, डिस्कशन हुआ, आज हम द्वारका एक्सप्रेसवे की एडजेसेंट जो रोड है, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, 75 मीटर प्लस 12 मीटर की जो सर्विस लेन है, ये पूरा अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसपे शोभा है, एक्सपीरियन है, गोदरेज का मेरिडियन आया था, गोदरेज का अब अगला प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल ये चलती है, पूरी रोड बनी हुई है, शोभा डिलीवर्ड है, एक्सपीरियन डिलीवर्ड है, दोनों प्रोडक्ट विंडचाइंड और हार्टसोंग, अब मेरिडियन डिलीवर होने वाला है, और अब ये गोदरेज का नया प्रोडक्ट जिसकी कनेक्टिविटी बैंगॉन अपर द्वारका एक्सप्रेस वे से ही होगी, उसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम बता देता हूँ, एज पर रेरा सर्टिफिकेट जो नाम इन्होंने अप्लाई किया है, विच इज़ गोदरेज वृक्ष 103। जी हाँ, वृक्ष एक ट्री का हिंदी नेम है, गोदरेज वृक्ष के नाम से ये प्रोडक्ट प्लान किया हुआ है। क्यों ये नाम रखा गया है वो आगे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। जो लोग गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग्स कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बारकोड जो स्क्रीन पर दिख रहा है, सो दैट हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो हम बात कर रहे हैं गोदरेज 103 की, वृक्ष के नाम से इसका रेरा आ सकता है। जो डिस्कशन हम आज करेंगे ये सारे डिस्कशन बिफोर रेरा है गाइस, पोस्ट रेरा कुछ माइनर चेंजेस फॉर श्योर होंगे, वो आपको पोस्ट रेरा बता दिए जाएंगे। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइस, इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमारे साथ जुड़ के आगे इसका क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है, वो आप जान सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के वो प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं तो #गोदरेज103 लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है कॉल कर दीजिएगा, मैं पूरा डिटेल आपसे इस पे डिस्कशन कर लूंगा। तो गोदरेज वृक्ष के नाम से ये प्रोडक्ट होगा गाइस, नॉन टीओडी लाइसेंस है ये, बहुत रेयर, अब आगे आने वाले समय में बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट आप देखेंगे जो नॉन टीओडी लाइसेंस पे होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन टीओडी लाइसेंस प्रोडक्ट गोदरेज का। जो पिछला प्रोडक्ट जेनिथ आया था, कई कस्टमर्स को शिकायत थी कि ये काफ़ी हाई डेंसिटी प्रोडक्ट है, जो कि था भी, 10.5 एकड़ पे अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास अपार्टमेंट थे, तो वो डेंसिटी वाइज काफ़ी हाई था। बट जिन लोगों ने ईओआई सबमिट किया था उस समय मार्केट में हवा थी कि 16, 16.5, 17 हज़ार पे प्रोडक्ट आएगा। गोदरेज ने 3 महीने का वेट करवाने के बाद 13.5 हज़ार पे इस प्रोडक्ट को ओपन किया था, और ईओआई बायर्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, वो समझ पाए थे उस टाइम पे कि क्यों हम आप लोगों से उस टाइम ईओआई सबमिट करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। ईओआई देने में कोई नुकसान नहीं है गाइज, ईओआई अभी आप दें सो दैट आपको एक आइडिया लगता है, लॉन्चिंग पर जो भी बेनिफिट मिलेंगे आप ही को मिलेंगे, उसके बाद आप अपना डिसीजन अगर कंटिन्यू करते हैं तो आप प्रोसीड करेंगे, बैक ऑफ करते हैं तो आपका अमाउंट 100% रिफंडेबल होता है, तो ईओआई देने में कोई लॉस नहीं है। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं, 14.5 एकड़ का नॉन टीओडी लाइसेंस है, मार्केशन दे रहा हूँ नॉन टीओडी लाइसेंस, आगे आने वाले समय में बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो नॉन टीओडी होंगे। नॉन टीओडी होने का फायदा क्या होगा कि कोई भी कमर्शियल इसके साथ शेयर नहीं होगा, तो डेंसिटी बहुत कम निकल के आती है। गोदरेज वृक्ष की जिसकी हम बात कर रहे हैं गाइज, इसकी डेंसिटी अगर हम बात करें तो पर एकड़ कुछ 40-41 फैमिलीज की ही डेंसिटी निकल के आएगी, तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये बहुत ही अमेजिंग लो डेंसिटी प्रोडक्ट होने वाला है। 14.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 6 टॉवर्स होंगे, 4 2 कोर अपार्टमेंट्स होंगे, 600 के आसपास मात्र अपार्टमेंट ये होने वाले हैं। 3 बेडरूम और 4 बेडरूम का मिक्स क्लस्टर होगा। 3 बेडरूम की साइजिंग मैंने नोट डाउन किया हुआ है, पहले मैं ओवरऑल बेसिक प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। लैंडस्केपिंग की बात करता हूँ तो सेंट्रल एरिया 3.5 एकड़ का सेंट्रल लैंडस्केपिंग ग्रीन एरिया इसमें आपको मिलेगा। इसमें नॉन टीओडी लाइसेंस के अलावा एक और की फीचर है जो डिस्कस करने वाला है। इन्होंने अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ टाइम पहले चिंटल्स के लिए एक बैड न्यूज़ आई थी, चिंटल्स की कुछ स्ट्रक्चर्स में कमियां आई थी, बेसमेंट में जो उनकी पार्किंग्स थी उसमें कुछ सीपेज लीकेज इश्यूज आए थे, और उसके कारण उसकी बिल्डिंग का एक फ्लोर काम चल रहा था इंटीरियर का और गिर गया था।
तो उसके बाद लोगों के मन में डर आ गया था कि आने फ्यूचर में आने वाले प्रोडक्ट्स में भी क्या कुछ ऐसा इस लोकेशन पे हो सकता है या नहीं। इसी पर्टिकुलर क्वेरी को और इसी पर्टिकुलर डर को ख़त्म करने के लिए गोदरेज ने इस बार इस प्रोडक्ट में कोई भी बेसमेंट पार्किंग नहीं दी है। जी हाँ, कोई भी बेसमेंट पार्किंग इस प्रोडक्ट में नहीं होगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम 5 करोड़ रुपए का 3 बेडरूम ले रहे हैं, 7 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए का 4 बेडरूम ले रहे हैं और बेसमेंट पार्किंग नहीं होगी तो क्या हम ओपन पार्किंग में गाड़ियां लगाएंगे? तो नहीं, इस बार ये MLCP मल्टी लेवल कार पार्किंग को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्डर चाहता तो इस मल्टी लेवल कार पार्किंग की लोकेशन पर 1-2 टावर और खड़े करके इस पर डेंसिटी बढ़ा सकता था, लेकिन इन्होंने स्ट्रक्चर की मजबूती को देने के लिए ये डिसीजन लिया है। कोई बेसमेंट इसमें नहीं होगा, आपकी डिगिंग के साथ सीधे स्ट्रेंथ के लिए पिलर्स दिए जाएंगे और सीधा आपका टावर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, सो दैट जो पहले एक शिकायत पर्टिकुलर इस लोकेशन पर चिंटल्स को लेकर आई थी वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। 5 लेवल का ये मल्टी लेवल कार पार्किंग होगा, जिसको ये लोग कार पार्लर का नाम दे रहे हैं। उसमें डेडिकेटेड कार के लिए क्लीनिंग, वॉशिंग, आपके जो भी कार पार्लर की फैसिलिटीज़ होती है वो सब आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मिलेगी। वर्टिकल गार्डन्स के थ्रू इस पूरे कार पार्लर को डेकोरेट किया जाएगा। इसका नाम वृक्ष होने का कारण ये है कि इस प्रोडक्ट में इन्होंने ग्रीनरी पर बहुत ध्यान दिया है, तो ये कार पार्लर होगा। अब कार पार्लर की स्पेस जो इन्होंने यूटिलाइज की है, तो क्या क्लब हाउस भी अलग से बनाया जाएगा? और जो लैंडस्केपिंग हम 3.5 एकड़ की बोल रहे हैं, तो वो क्लब हाउस और कार पार्लर बनने के बाद कम नहीं हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है गाइस, कार पार्लर की जो 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होगी, उस बिल्डिंग के टॉप पे 90,000 स्क्वायर फीट का पूरा ये क्लब एमिनिटीज देने वाले हैं, जिसमें 55,000 स्क्वायर फीट में आपकी इंडोर क्लब एमिनिटीज लाइक टेम्परेचर कंट्रोल पूल होगा, जिमनेजियम होगा, रेस्टोरेंट्स होंगे, बार्स होंगे, स्क्वैश कोर्ट होगा, इंडोर कोर्ट्स होंगे और मिनी थिएटर होगा। ओपन अगर बात करें तो ये गोदरेज पहली बार इन्फिनिटी पूल इंट्रोड्यूस अपने प्रोडक्ट में करने वाला है, तो ये पूरा एक इन्फिनिटी पूल होगा। 5वें फ्लोर पर ये होने, मतलब 6 फ्लोर पर आइडियली ये होगा 5 फ्लोर की कार पार्किंग के बाद। तो इस लोकेशन को, इस लैंड को, इस पर्टिकुलर कार पार्किंग के टॉप को इन्होंने क्लब एमिनिटीज में कन्वर्ट करके उस एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। तो नॉन TOD लाइसेंस इज अ मेन की फीचर। सेकंड की फीचर इस की इसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग मिलेगी, जो कि सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए गोदरेज ने यह डिसीजन लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, 3 क्लब हाउस होंगे, वही एक्टिव होगा, सोशल होगा, लाइफस्टाइल होगा। एक्टिव क्लब में आपका जिमनेजियम, गेमिंग कोर्ट्स होंगे, सोशल में आपके रेस्टोरेंट्स, बार होंगे, लाइफस्टाइल में आपका मेरे ख्याल से जो गेमिंग कोर्ट्स हो गए, जिमनेजियम हो गया, वो सारी कंसिडरेशन अलग अलग नाम से इन्होंने एडवांस कर दी है। तो 3 टाइप के क्लब हाउस के पार्ट्स होंगे, इन्फिनिटी पूल भी होगा, 3 एकड़ का आपका सेंट्रल ग्रीन एरिया होगा, कार फ्री जोन भी दिया जाएगा आपको, पूरा जो सेंट्रल ग्रीन होगा वो कार फ्री होगा। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके माइंड में आएगा कि जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उससे टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, वो वॉकिंग जो डिस्टेंस होगा वो बहुत लंबा होगा, उसमें टाइम लग सकता है। जी हाँ, ये एक पॉइंट मैंने भी गोदरेज से पूछा था, बट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइज। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको वैले अवेलेबल किए जाएंगे, डेडिकेटेडली आपके गोल्फ कार्ट्स लगाई जाएंगी अगर आप स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आते हैं। वर्किंग टाइम में हो सकता है थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो, लेकिन अगर आप नॉर्मल टाइम फ्रेम में आएंगे तो हर टावर्स में कुछ वैलेज स्पेसिफिक खड़े रहेंगे आपको ऑल द टाइम, पार्किंग से टावर तक छोड़ने के लिए और टावर से पार्किंग तक ड्रॉप करने के लिए। पूरा एक कार ट्रेवल जोन भी बनाया जा रहा है, जो ऑल टेम्परेचर को मैनेज देखते हुए बनाया जाएगा, गर्मी, बारिश, सर्दियों में आपको इस तरीके से वो कार जोन बनाया जाएगा जो टावर से लेकर कार पार्किंग तक आपको ले जाएगा, कि आपको बारिश में भीग जाना पड़े, गर्मी में धूप ना देखनी पड़े। इस तरीके से पूरा वो कार का एक वॉकिंग एरिया भी गोदरेज बना के स्पेसिफिक इसमें देने वाला है। तो ओवरऑल इस बार लो डेंसिटी प्रोडक्ट के साथ गोदरेज 3 अलग अलग साइजेस जो है इंट्रोड्यूस करेगा। साइजेस की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो 2100 स्क्वायर फीट होगा एक साइज, 2500 स्क्वायर फीट होगा एक साइज और एक 3700 स्क्वायर फीट साइज होगा। तो 2100 और 2500 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स होंगे। सबसे ज्यादा मेजर इन्वेंट्री इसमें 2500 स्क्वायर फीट वाली होगी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 के आसपास फ्लैट्स होंगे। 2100 स्क्वायर फीट और 3700 स्क्वायर फीट जेंट्री, जिसमें सिर्फ 70 से 75 अपार्टमेंट ही होने वाले हैं। प्राइसिंग की बात में ऑल इंक्लूसिव अगर करूँ तो 4.5 करोड़ से लेके 7.5 से 8 करोड़ तक की इन्वेंट्री अलग अलग प्राइस साइज सेगमेंट की अवेलेबल होगी। अगर हम बात करते हैं, इस बार फ्लोर टू सीलिंग हाइट आपकी 11 फीट की ये लोग देने वाले हैं। इनका इस लोकेशन पर गोदरेज मेरिडियन एक प्रोडक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली आज से 4 साल पहले 8 से 9 हज़ार के रेट पर इन्होंने बेचा था। आज का रीसेल 15.5 से 16 हज़ार चल रहा है। गोदरेज इटसेल्फ अभी 21 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की बातें कर रहा है, लेकिन इनकी हिस्ट्री जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डेफिनेटली ये हो सकता है
ये मेरा अनुमान है, ये हो सकता है कि 18 से 19,000 के रेट पर इस प्रोडक्ट को ये EOI बायर्स के लिए ओपन करें। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस गोदरेज की। इस बार इन्होंने नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हाट इज नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर? अगर आपने सीपी देखा हो दिल्ली कनॉट प्लेस, तो वहां पे जो डिजाइनिंग स्ट्रक्चर है, जो पिलर को कर्व शेप में डिजाइन दिया हुआ है, उस डिजाइनिंग स्ट्रक्चर को वो अपने गोदरेज के ब्रिक्स प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर होंगे गाइस, आपका कार पार्लर होगा इसमें, नॉन बेसमेंट सोसाइटी ये होने वाली है, नॉन TOD लाइसेंस के साथ ये प्रोडक्ट होने वाला है, लो डेंसिटी प्रोडक्ट ये होने वाला है, 4.5 करोड़ से 8 करोड़ की ये इन्वेंट्री होगी, जिसमें आप 3 बेडरूम 3+ सर्वेंट और 4 बेडरूम के सेगमेंट में एंटर कर सकते हैं। आपका फ्लोर टू सीलिंग हाइट 11 फीट की होने वाली है, 1 इन्फिनिटी पूल होगा, 1 आपका टेम्परेचर कंट्रोल पूल होगा, और इसमें लैंडस्केपिंग के साथ साथ एक प्रॉपर डेडिकेटेड जंगल भी प्रिपेयर किया जा रहा है गाइस। उस जंगल में 30 साल पुराने ट्रीज लाकर यहाँ पर उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो कोई नई प्लांटेशंस नहीं होगी गाइस, उस जंगल में जो ऑलरेडी पुराने पेड़ हैं वो लाकर यहाँ पर वापस से उनको रीप्लांटेशन किया जाएगा। तो सनसेट के टाइम पे जब अगर आप इन्फिनिटी पूल या क्लब हाउस या अपने टावर में बालकनी में खड़े हैं, तो बहुत अमेजिंग व्यू, क्योंकि वेस्ट साइड पे इसका क्लब हाउस और वो जंगल होगा, तो सनसेट के टाइम पे आपको इन्फिनिटी पूल के थ्रू एक बहुत ही गोल्डन कलर का एक बहुत ही अमेजिंग व्यू, एक बहुत ही प्यारा अमेजिंग व्यू इसमें मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपना लो डेंसिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं गाइस। अगर आप गोदरेज के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं तो #Godrej103 लिख के मुझे मैसेज कर दें। कल मैं एक और वीडियो गाइस लाइव करूंगा, एक और प्रोडक्ट के लिए हम डिस्कशन करेंगे, और इन 3-4 वीडियोस के डिस्कशन के बाद हम आपसे एक कंपैरिजन वीडियो भी डिस्कस करेंगे, कंपैरिजंस भी करेंगे इन प्रोडक्ट का कि कौन से प्रोडक्ट में आपको एंटर करना चाहिए। आशा करता हूं गोदरेज की जो जानकारी मैं देना चाह रहा था वो आपको इसमें मिल गई होगी। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है गाइस तो कॉल कर लें, हमारे साथ डिस्कशन करके कनेक्ट करके अपना EOI सबमिशन कर दें, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंगली आपका आगे अलॉटमेंट का प्रोसेस और प्रायोरिटी नंबर का प्रोसेस करवा सकें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, सो दैट अगर वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। कल मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।